शूट कर देते हैं फिर, आप ही लोगों से शूट किए देते हैं फिर। ये हमारे कस्टमर से देखिए सामान नहीं ले रहे, परेशान कर रहे हैं बहुत देर से, ये उनसे शिकायत कर रही, बहुत देर से आ रहे, परेशान कर रहे हैं बस, ले नहीं रहे हैं। ये दो भाई कहीं और से उठाए और कहीं और से लिए आए हैं, ये हमारे यहाँ से देखे नहीं है, हमारे यहाँ से नहीं लिए हैं। क्या चैनल है मेरा? पिंकीज फैमिली ब्लॉग करके यूट्यूब पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं आज है 7 अक्टूबर और आज हुआ था यहाँ पे रेड अलर्ट था यहाँ पे नैनीताल में, तो इसके चलते स्कूल्स वगैरह सब बंद हैं। तो फिर देख सकते हैं मतलब उतनी बारिश नहीं आज पड़ी है जैसे कि कहा गया था कि रेड अलर्ट या ये वो सो जो भी, जैसे भी यहाँ पे जब भी प्रिडिक्शन होती है रेड अलर्ट की, हैवी रेन की ना, तो पड़ती नहीं है बारिश उस टाइम पे। तो आज भी देखिए आप मौसम देख सकते हैं कितना प्यारा सा बना हुआ है सामने से, देखिए बादल है, मैं दिखाती हूँ आपको सामने से दूर नैनीताल से उस पार जो मौसम दिख रहा है ना, ये बहुत दूर से, ये देखिए थोड़े से बादल भी है, बादल देखिए पहले पहाड़ दिख रहे हैं उसके ऊपर बादल और उसके ऊपर दिख रहा है नीला सा आसमान और उसके बाद दिख रहे हैं पूरे आसमान में से बादल ही बादल है, देखिए पूरे आसमान में बादल है। तो बारिश मतलब कम हुई है आज सुबह से, जब से मैं उठी हूँ लेट उठी थी मगर तब से बारिश मैंने नहीं देखी कि होते हुए, हल्की फुल्की बारिश है रेलिंग पर जो छींटे पड़ी हुई थोड़ी बहुत ऐसी हल्की हल्की बारिश हुई है, मतलब जैसे होती ना रेड अलर्ट में तेज़ वाली बारिश, वैसी बारिश नहीं हुई है। तो ये देखिए ऊपर को ट्रॉली वाले रोपवे वाले साइड में भी देखिए बादल मतलब निकल के आ रहे हैं नीचे से, पेड़ों के बीच से बादल जा रहे हैं ऊपर आसमान की तरफ। तो इस तरह से है वेदर आज का, तो तेज़ बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, रोपवे जा रहा है सामने से, तो ये देखिए ट्रॉली जा रही है हमारे घर के सामने से ऊपर को, तो ये इस तरह से ये यहाँ से ऊपर जा रही, तो ऊपर से एक ट्रॉली नीचे को भी आ रही है, ये देखिए तो ऊपर बीच में जाके मिलेंगे। कहाँ गई ये रही, नहीं ये तो नहीं रही, उसके नीचे आ गई है। हाँ ये देखिए ये ऊपर से आ रही है एक ट्रॉली और एक ये ट्रॉली नीचे से जा रही है ऊपर को, ये यहाँ पेड़ों के बीच से देखिए ये जा रही है ना। तो वो भी सुबह के कितने बज रहे हैं टाइम, पता नहीं कितना हो रहा है, 11 बज चुके हैं। मैंने बालों में तेल लगाया हुआ है, उसके बाद मैं सर धोने वाली हूँ, फिर मैं जाऊँगी दुकान, उसके बाद खाना बनाऊँगी। आज उन्होंने कहा कि पुलाव बना दूँ, तो मैं आज पुलाव बनाने वाली हूँ लंच में। तो देखिए ये ट्रॉली दोनों आमने सामने हो गई है ऊपर नीचे से, तो इस तरह से है वेदर। तो वो सामने जो दिख रहा है वहाँ पर कहीं जगह पर साफ साफ मौसम दिख रहा है, बिल्कुल नीला आसमान दिख रहा है कहीं पर, तो हमारे यहाँ पर दिख रहा है बादलों वाला आसमान। तो चलिए मिलेंगे थोड़ी देर बाद, काफ़ी सारी बात होगी। तो आपको कैसा लगता है मेरे घर से नैनीताल का लेक का जो व्यू है? तो इस तरह से लेक व्यू रहता है घर से, अगर ये वाला पेड़ सामने ना होता तो और भी ज़्यादा सुंदर व्यू आता, तो इस पेड़ की वजह से मेरे यहाँ इस तरफ का जो व्यू होता है वो सारा हट जाता है। तो इस तरह से है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से मार्केट भी नज़र आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मार्केट थोड़ी बहुत नज़र आती है, जैसे पहले मेला लगा था ना, तो यहाँ से नीचे मौत का कुआं नज़र आता था यहाँ पे, तो रावण भी यहाँ पे दहन होता, तो रावण दहन भी यहाँ से बहुत अच्छा नज़र आता है हमारे घर से। तो हम लोग पहले यहीं से देखते थे रावण दहन वगैरह, हम लोग नीचे नहीं होता था तब, तो हम लोग यहाँ नीचे वाले से खड़े होकर देखते थे, नीचे यहाँ पे खड़े होकर देखते थे, तब ये सामने को नहीं था तो यहाँ से अच्छा दिख जाता था। तो अब हम लोग यहाँ से देखते थे, यहाँ से भी बहुत बढ़िया दिख जाता है इस तरह से, ये पूरा फील्ड नीचे नज़र आ रहा है। ये होली फ्लैग्स जो मैं दिखाती हूँ उस साइड से बहुत खूबसूरत लगते, तो बादल देख सकते हैं अब चारों तरफ से बादल बने हुए हैं, हर साइड से बादल बने हुए हैं ना, देखिए इस साइड से भी बादल बने हुए हैं। तो यार छोटू ने साफ़ किया ही नहीं आंगन कब से पता नहीं, ये देखिए होली फ्लैक्स इस तरह से भी बारिश से गीले हो गए हैं, तो ऐसे चिपकू चिपकू से हुए हुए हैं ये। तो ये देखिए लेक व्यू यहाँ से, और ये हमारा जो होली फ्लैग है यहाँ पे इस तरह से, ये क्रिसमस ट्री है मेरा जो सूख गया है, वहाँ सामने में ग्रेस और सिंगू का बिस्तर लगता है उस साइड में, जो हमारे दो डॉगीज़ हैं, एक जर्मन शेफर्ड है एक वो है क्या कहते हैं उसको डॉबरमैन है, तो उनका जो बिस्तर है वो उस साइड को लगता है। तो मैं उनके सामने जाती नहीं, वो चढ़ जाते हैं बिल्कुल ऐसे पंजे मार मार के नोच लेते हैं, तो मैं उस तरफ को खाना देने के लिए सब जाती हूँ, तो मैं उनको खाना दे देती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स मैंने अपनी चिमनी को कर दिया है क्लीन, बहुत ही गंदी हो रही थी जब से मैं बीमार थी तब से साफ़ ही नहीं की थी मैंने, तो आज मैंने अच्छा उसको साफ़ कर दिया। तो ये देखिए इसके अंदर कितना सारा ऑयल जमा हुआ है चिमनी के अंदर, तो मैंने इसको तो साफ़ कर दिया, पूरा क्लीन हो गई है ये, तो ऑटो क्लीन करवा रही हूँ उसको मैं। तो उसके बाद फिर मैंने ये निकाल दिया, इसको मैं साफ़ करती हूँ अभी, इसको धो के फिर फिट करती हूँ वापस से। तो फ्रेंड्स चिमनी उमनी साफ़ करके किचन का थोड़ा सा सफाई सफाई करके फिर मैं बैठ लगी थी दिन का खाना बनाने। तो दिन के खाने में मैंने बनाई देखिए आलू और मलका खिचड़ी बनाने जा रही हूँ मैं, तो आलू और मलका को पहले मैं अच्छे से फ्राई कर दे रही हूँ इसमें, उसके बाद फिर खिचड़ी उसमें चावल डाल के सीटी लगा देंगे और खिचड़ी हो जाएगी तैयार। तो चलिए खिचड़ी बनाते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिन के 2 बज चुके हैं और रोज़ की तरह मैं निकल पड़ी हूँ दुकान की तरफ अपना छाता लेके। तो आज क्या था कि हाई रेड अलर्ट था, 7 अक्टूबर है आज, तो हाई रेड अलर्ट था, बट हुआ क्या कि बारिश हुई नहीं उतनी जितनी होनी थी, रेड अलर्ट वाली बारिश नहीं हुई है, बारिश तो हुई है बट रेड अलर्ट वाली नहीं हुई है। तो अभी तो रुकी हुई है बारिश में निकल पड़ी हूँ, अभी मैंने अमित का वो देखा था ब्लॉग देखा था, तो वो बोलते कि 2 बजे के बाद को प्रेडिक्ट कराया कि ज़्यादा बारिश होने के लिए, तो मैं निकल गई हूँ 2 बजे घर से, हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही है बहुत हल्की हल्की सी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को जाके शॉप पर, चलिए मिलते हैं। अरे पूजा हो रही है,
हेलो एवरीवन, तो पहुंच चुकी हूँ मैं दुकान पे। खाना भी आ गया है, छोटू लेके आ गया खाना, तो खाना खाते हैं। तो फिर उसके बाद देखते हैं, बारिश हो रही है हल्की फुल्की सी हो रही है, मतलब तेज़ वाली बारिश नहीं हुई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ी मज़े मज़ेदार सी बारिश हो रही है, हल्की फुल्की सी। तो ज़्यादा तेज़ वाली बारिश भी नहीं हुई है, अभी थोड़ी सी तेज़ हुई है क्योंकि 2 बजे के बाद बोला तेज़ होगी तेज़ होगी। तो अभी तो 2:45 हो चुके, 3 बज चुके हैं क्या? हाँ 3 बज चुके हैं, 3:10 हो चुके हैं। तो चलिए खाना खा लेते पहले हम लोग। कस्टमर एक है बाहर। क्या चाहिए? स्कैनर स्कैनर, ये लीजिए स्कैनर। और तो फ्रेंड चलिए अब खाना, ओहो खाना खाते हैं फिर। ये प्रयागराज प्रयागराज से, ओके न्यू सब्सक्राइबर्स। हाँ जी शिवा पांडे, हम घूमे हैं प्रयागराज, फिर आइए, हमारा काम है वहाँ पे प्रयागराज में। इंट्रोडक्शन दीजिए, जैकेट पहन के दीजिए, टोपी पहन के अच्छे लग रहे थे आप। क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं? हाँ बताएं आप क्या है, बोला आपने भाजपा के क्या है आप? मैं प्रयागराज का जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष पद में चुनाव भी लड़ चुका हूँ। वहाँ छात्र नेतृत्व में सन 2012 से करते आया हूँ। संगठन में बहुत आंदोलन किए, पूर्व में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी जिसमें युवाओं को प्रताड़ना दी जाती थी। अच्छा। रोजगार के लिए हमने आंदोलन किया, कई बार लाठियां खाई, 3-4 बार सेंट्रल जेल गए। अच्छा जेल भी गए आप? छात्रों के लिए, युवाओं के लिए ही जीता हूँ, युवाओं के लिए ही मरता हूँ। नहीं मरिएगा मत प्लीज, अभी जरूरत है देश को आप जैसे नौजवानों की, देश को जरूरत है आप जैसे नौजवानों की, युवाओं की जरूरत है। सही बात है, ऐसे नौजवानों की जरूरत है। ये निकला रहा है तो अभी तो हम आपको बताए थे, आप जबरदस्ती का निकलवाए हमका, इसके ऊपर पहने आपके नहीं बड़ा ही चाहिए हमें। नहीं नहीं सॉरी बोलिए, मैं लूंगा जरूर क्योंकि मुझे पसंद है। अब तो लिवाएंगे आपको जबरदस्ती, नहीं तो प्रचार करेंगे हम आपका। देखिए ये बंदा हमें परेशान कर गया, पसंद है इसलिए नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं चूंकि हम लोग लिए हैं। तो फ्रेंड्स मौसम आपका देख सकते हैं इस तरह से बना हुआ है। तो मैं मौसम का शूट करने जा रही थी, बढ़िया है मैडम। तो मैं मौसम का शूट करने जा रही थी, तो कस्टमर्स थे तो उनके साथ ऐसे मजाक मस्ती कर रहे थे, तो मैंने उनका भी थोड़ा सा शूट कर लिया। तो मैं उनका इंट्रो ले रही थी, तो बड़ा लंबा चौड़ा सा इंट्रो था, तो एक ही का ले पाई मैं इंट्रो, बाकी लोगों का इंट्रो नहीं हुआ उसमें। तो इस तरह से मौसम, मतलब आज दिन भर हल्की हल्की रिमझिम सी बारिश हुई है दिन भर में, और ऊपर पहाड़ों पर बादल हैं काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं इस तरह से है। तो मार्केट का भी हाल ऐसे है, लोग छाता लिए हुए इधर उधर जा रहे हैं, सारे लोग छाते के साथ घूम रहे हैं इधर उधर, देखिए सबके सब छाते में हैं। ये देखिए रिमझिम रही है दिन भर बारिश, मतलब तेज़ वाली बारिश नहीं हुई जिस तरह से प्रिडिक्ट किया गया था कि बहुत बारिश तेज़ होनी है, या फिर हाई रेड अलर्ट जिस तरह से हुआ था ना, तो उस तरह का कुछ भी नहीं था मौसम। बहुत ही रिमझिम अच्छी वाली बारिश थी, मतलब इस तरह की बारिश भी पसंद है, जो बहुत खतरनाक तेज़ वाली होती है वो बारिश नहीं अच्छी लगती, वो बहुत बेकार लगती है। तो इस तरह से मैं देखिए अंदर से जैसे शूट करने निकली थी, तो कस्टमर्स आ गए थे, तो मैं उन लोगों के साथ भी ऐसे गप्पे पप्पे मारते हुए, तो मैंने इस तरह से शूट किया था। तो इस तरह से है, देख सकते हैं कुछ लोग तो बिना छाते के भी घूम रहे हैं, मतलब रिमझिम भी नहीं हो रही है शायद, अभी बारिश बंदी हो गई है शायद, मैं बाहर को निकल के नहीं देख रही हूँ, मैं अंदर से ही देख रही हूँ। तो मेरे जो मियाँ हैं बाल काटने गए हैं, बस आने वाले होंगे, तो मैं उनका नया हेयर स्टाइल दिखाती हूँ आपको आज, मियाँ जी का नया हेयर कट देखने के लिए तैयार रहिएगा आप सभी। तो चलिए मिलते हैं मियाँ जी के आने के बाद। ये यहाँ पे जो मेले का जो वो था ना लगा हुआ, यहाँ पे जो भंडारे के लिए जो टेंट लगा था उसका जो लोहा हुआ था वो उखाड़ के लेके जा रहे हैं ये लोग अभी गाड़ी में डाल के। तो ये गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे जिससे कि मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है आगे को शूट करने के लिए। तो चलिए मैं आगे जाके इस तरह से शूट करती हूँ। तो ये इस तरह से है मौसम का हाल चाल बना हुआ कुछ। तो इस तरह से मैं मार्केट से ही शूट कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने सुबह घर से शूट किया था, थोड़ा सा फिर मैं भी मार्केट से आके शूट कर रही हूँ, मैंने बाकी का कुछ भी शूट नहीं किया इस तरह से। तो ये है पेमा ब्लॉगर, यो मैन, कैसे हैं पेमा ब्लॉगर आप? तो बढ़िया हूँ, आप बताइए। आपकी वीडियोस नहीं आ रहे, क्या बात है? अरे आज के वीडियो में बना नहीं रहा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि मन नहीं लग रहा आज का, और आज का भीड़ भी बहुत है और बारिश भी आ जा रही है। ओहो, तो बारिश से आपके चैनल मतलब वीडियो बनाने का क्या लिंक है? मैं क्या बनाऊंगा ना बारिश में, क्योंकि मेरे को जगह की ऊपर दिखाता हूँ ना मैं, तो मेरे को जगह जाने के लिए। अच्छा, सारी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, नैनीताल को एक्सप्लोर करते हैं, तो बारिश की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। सोचा है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। चलिए तो आप पेमा ब्लॉगर से को भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, हमारा छोटा बच्चा है ये हमारे मार्केट का, तो पेमा ब्लॉगर को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए इस तरह से वेदर है, रिमझिम बारिश हो ही रही है, तो मैं बारिश ही आप लोगों को दिखा रही थी। रिमझिम गाना हो जाए एक, रिमझिम बारिश पे कोई गाना गा लिया? मेरे को तो आता नहीं है गाना, तो सिर्फ एक ही जना गा सकते हैं, वो चाचा आए नहीं लेकिन आज। तो चाचा से गाना तो मेरे को कॉपीराइट क्लेम लगेगा। तो चलिए, तो पेमा ब्लॉगर के साथ मस्ती हो रही थी, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में जाके। चले मौसम मैंने आपको दिखाई दिया, बारिश हो रही है, मैं बाहर को आई ना तो मेरी जैकेट पे बारिश की बूंदें गिरने लग पड़ी हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने जैसे कहा था अपने हस्बैंड का नया जो हेयर स्टाइल है।
तो फ्रेंड्स शाम के ना 5:30 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, मतलब 5 मिनट 5:30 होने में। तो पतिदेव गए हुए हैं बाल कटवाने के लिए, अभी तक लौट के नहीं आए हैं। तो शाम सामने वाली दुकान में टैटे पैपे चल रही है बहुत ज़्यादा। वो अपनी जो छत नहीं होती, जो क्या बोलते हैं उसको, जो फोल्डिंग छत, यार मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो वो चेंज कर रही है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैमरा टर्न करके, तो बहुत आवाज़ हो रही है टनपन टनपन। तो ये देख दी लंबू का, जो लंबू वाला जो रेस्टोरेंट है सामने, जो क्वालिटी रेस्टोरेंट है ना, इसका छत चेंज हो रहा है। ये पिंक कलर का लगा रहा है, इसको क्या बोलते हैं मुझे बोलना बिल्कुल भी नहीं, इसका नाम बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक याद नहीं आ रहा। तो ये इसको चेंज कर रहा है, नया छत लगा रहे हैं लोग लंबू लोग, लंबू के इस रेस्टोरेंट पर, क्वालिटी रेस्टोरेंट पर, पंडित जी का भोजनालय जो है इस पर ये छत चेंज हो रही है। तो चलिए जब छत नई लग जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब खोल देंगे इसको। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सामने जो छत लग रही थी ना पंडित जी की, पंडित जी का भोजनालय में जो छत लगा था, ये लग गया है पिंक कलर का छत लग गया है इस पर। क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं, बोलना नहीं आ रहा इसको, फ्लाई कुछ बोलते हैं यार, पता नहीं क्या बोलते, कुछ फ्लाई कुछ बोलते हैं इसको। तो ये पिंक कलर का लग चुका है सामने से, अभी लगा ही रहे हैं, मतलब फिक्स नहीं हुआ है, तो इस तरह से कलर है इसका। तो चलिए देखिए, मेरा पंडित जी की भोजनालय की नई छत भी आप लोगों को दिखा दी है। तो बस मेरे पति देव आने वाले हैं, तो उनका मैं थोड़ा सा स्टाइल दिखाऊंगी, बस फिर ख़त्म करेंगे वीडियो को हम उसके बाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम के 6 बजने में है 5 मिनट। तो ये आ चुके हैं वापस, तो इनका हेयर स्टाइल है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं अभी भी बाल थोड़े से लंबे हैं, थोड़े से और छोटे करने बनते थे मगर इन्होंने किए नहीं, और ये बिल्कुल मुंडी झुका दी इन्होंने नीचे ताकि इनके बाल ही ना दिखे। देखिए तो चंपू हेयर स्टाइल बनाया हुआ है बिल्कुल ऐसे करके, तो इस तरह से पीछे से ठीक है, बैक वो है गंजू गंजू सा। तो इस तरह से आप आ चुके हैं अपना हेयर कट करके, तो चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है। तो ये मार्केट जाते हुए मूँगफलियाँ लेके आए थे, तो हम लोग मूँगफली खा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं सामान दुकान सॉरी कस्टमर्स को, मैं खा रही हूँ बैठ के मूँगफली। तो फ्रेंड्स शाम के ना 6 बज चुके हैं, मैं मूँगफली खा रही हूँ बैठ के। तो चलिए आज की जो वीडियो है ना यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।